ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी माघ मास महात्म्य का 21वां अध्याय। इससे पहले माघ मास महात्म्य के 20वें अध्याय में आपने सुना था कि किस प्रकार लोमश ऋषि ने एक राजा जो कि बहुत दानी था और एक ब्राह्मण जो कि दुराचारी था और मूर्ख था, कृषि कार्य करने वाला था, अपने भाई बंधुओं का त्यागा हुआ था, इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके साथ 3 दिन तक स्नान किया और 3 दिन में ही स्नान करने से वो निष्पाप हो गया, अर्थात अपने पापों से मुक्त हो गया। फिर वो अपने घर चला गया। इसके बाद जब ब्राह्मण और राजा दोनों की एक ही दिन मृत्यु हुई, तब उन दोनों के साथ क्या हुआ इसके बारे में आज जानिए माघ मास महात्म्य के 21वें अध्याय में। लोमश ऋषि कहते हैं कि वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। तब मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों में दोनों एक समान दिख रहे थे। ऐसा देखकर उसके महात्म्य को क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाला स्वर्ग का सुख भोगकर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुखों का नाश हो जाता है। और अधिक क्या कहें, किसी भी तीर्थ में किए गए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से ही नष्ट हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, अब ध्यान पूर्वक सुनो। इस इतिहास को वे कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने, इससे इनको स्मृति प्राप्त होगी। पुरातन समय में देवद्युति नाम का बड़ा गंभीर और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उसने पिशाच को निर्मुक्त किया था। वेद निधि कहने लगे कि वह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उसने निर्मुक्त किया। हे ऋषिवर, आप कृपया ये सब विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब लोमश ऋषि कहने लगे, किल्पज्ञ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्थान था। जंगल के बीचों बीच पुण्य जल वाली सरस्वती नदी बहती थी। वन में अनेक प्रकार के पशु भी विचरण करते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी और वन चैत्र रथ के समान था। उस जगह धर्मात्मा देवद्युति रहता था। उसके पिता का नाम था सुमित्र और वह माता लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्मा को स्थिर रखता, गर्मी में अपने नेत्र सूर्य देव की ओर रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता था, हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठता और त्रिकाल संध्या करता, जितेंद्रिय और सत्यवादी भी था। अपने आप गिरे हुए फल और पत्तियों का ही वह भोजन करता था। उसका शरीर सूख कर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहां पर 1000 वर्ष बीत गए। तपस्या के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। श्री हरि की प्रसन्नता से ही वह ये सब कर्म करता। दधीची ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को श्री हरि की पूजा कर उनकी सुंदर स्तुति और विनती की। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर विराजमान होकर उसके पास आए। चतुर्भुज विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर मारे प्रसन्नता के उसकी आंखों में आंसू भर आए और धन धन्य होकर उसने भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद नहीं रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान कहने लगे, हे देवद्युति, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में वह कहने लगा कि हे देवाधिदेव, अपनी माया से शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब जब आपका दर्शन भी मुझे हो गया तो मुझे भला और क्या चाहिए, मैं सदैव केवल आपकी ही भक्ति में लगा रहूं, ऐसा वरदान आप मुझे दीजिए। तब भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा,
तुम्हारी तपस्या में कभी कोई बाधा कोई विघ्न नहीं पड़ेगा। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्तोत्र को पढ़ेगा उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी, उसके धर्म कार्य सांगोपांग होंगे और उसकी ज्ञान में परम निष्ठा होगी। ऐसा कहकर भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तब देवनिधि कहने लगे, हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, ठीक वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं भी पवित्र हो गया। अब कृपया करके उस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण ने भगवान को प्रसन्न किया। हरे कृष्णा, आज का अध्याय संपूर्ण हुआ। लोमश ऋषि ने उस स्तोत्र का किस प्रकार वर्णन किया इसके बारे में आप माघ मास महात्म्य के 22वें अध्याय में जानेंगे। आज का ये अध्याय आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आइए हर बार की तरह आज भी रसपान करते हैं भगवान कृष्ण की लीलाओं की सच्ची कहानी का। अगर आज की वीडियो में आपको मेरी आवाज थोड़ी कम लग रही हो तो प्लीज मुझे कम ही सदा रक्षा करते हैं। उनके भक्त किसी भी मुश्किल में हो, अगर उनके भक्तों की श्रद्धा भक्ति सच्ची है तो वो अपने भक्तों को हर संकट से हर दुख से उबार ही लेते हैं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।